आजादी के अमृत महोत्सव पर पनवेल में आयोजित एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम देखने लायक रहा। 76वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर संचालक सुनील सिन्हा के नेतृत्व में बूंद चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में सैकड़ों लोग शामिल हुए और तिरंगा लहराते हुए देश की सेवा और सुरक्षा में अपने योगदान का संकल्प दोहराया। देखिए रिपोर्ट। छिहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस पर आज पनवेल में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम देखने लायक रहा। बूंद चैरिटेबल ट्रस्ट और बडिंग एक्टर्स डांस और म्यूजिक एकेडमी के बैनर तले पल्लवी सिन्हा और सुनील सिन्हा ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां बीजेपी नेता बाला साहब पाटिल, युवा नेता परेश ठाकुर, पुलिस अफसर संजय जोशी, नगर सेविका नीता माली और ट्रेनर गीता रानी खास तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में संचालक सुनील सिन्हा की ओर से अनाथ बच्चों को शिक्षण सामग्री और आर्थिक सहायता प्रदान की गई। वहीं कई रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। आज बूंद चैरिटेबल ट्रस्ट और बडिंग एक्टर्स डांस एंड म्यूजिक एकेडमी की तरफ से जो कार्यक्रम हुआ, इसमें हमारे जो बाला साहब पाटिल जी, जो कि महाडा के चेयरमैन रह चुके हैं, सर आए, हम लोग का काफ़ी हौसला बढ़ाए और ये कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए और इतने लोग आए। आज जो एक शाम वतन के नाम जो प्रोग्राम हुई, हमारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दी और कलाकार जो सीनियर आए थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आए कई अतिथियों ने पल्लवी सुनील सिन्हा द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक कार्यों के साथ ही आज़ादी दिवस पर शहीदों के नाम आयोजित उनके कार्यक्रम की सराहना की। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। इतका मोठा योगायोग आहे की आपल्याला आजादीला 75 वर्ष आज पूर्ण होत आहेत। नरेंद्रजी मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली आज संपूर्ण देश एक सण साजरा करतो आहे। प्रत्येकाच्या मनामध्ये, प्रत्येकाच्या घरावरती आज तिरंगा फडकतो आहे, त्यामुळं मला अभिमान वाटतो। आणि याच दिवशी आज सिन्हाजींनी हा कार्यक्रम ठेवला, खऱ्या अर्थानं ही देशभक्ती युवा पिढीमध्ये जागवण्यासाठी, शहीदांचं बलिदान पुढच्या पिढीला देण्यासाठी खऱ्या अर्थानं असे कार्यक्रम सातत्यानं होणं, देशभक्तीपर गीतं, त्यातून अंगावर रोमांच उभा राहतो, गेलेल्या शहीदांचं बलिदान आमच्या लक्षात राहतं आणि पुढची पिढी याच्यावर चालावी। ज्याने आम्हाला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं, ज्याने आम्हाला स्वराज्य दिलं, त्याचं सुराज्य आम्हाला बनवण्याचं काम कसं करायचं, या माध्यमातून एक वाटचाल आम्हाला करण्याची संधी मिळते। आणि सुनीलजींना मी पुन्हा पुन्हा शुभेच्छा देतो की अशा पद्धतीचं राष्ट्रभक्तीचं काम आपल्या हातून घडलं पाहिजे, त्यासाठी आम्ही सातत्याने आपल्या पाठीशी उभे आहोत। लेकिन आज जो हमने देखा, जो 75वां साल जो हमारा देश जो स्वतंत्रता दिवस जो मना रहे हैं, 3 दिन 13, 14 और 15, ये 3 दिन का जो हम लोग महापर्व मना रहे हैं, राष्ट्रीय महापर्व जो मोदी साहब ने हमें ये मौका दिया है मनाने के लिए, इसमें आज हमने ये पाया, मतलब एक छोटे छोटे बच्चों ने भी देशभक्ति गीत, देशभक्ति के ऊपर गाना, उनके ऊपर नाचना, उनके उनको एक अच्छी तरह से एकदम बहाव में बहाते हुए उन्होंने हम सबको ओत प्रोत किया है। आज इतना अच्छा प्रोग्राम और ये सारे उनके जो सुनील सिन्हा जी हैं, जो आयोजक हैं इस प्रोग्राम के, ये सारे उनके बनाए हुए लोग हैं। उनके जो बूंद चैरिटेबल ट्रस्ट में जो लोग बच्चे सीखते हैं, वो उन्होंने आज परफॉर्म किया है। बाहर से आए हुए लोगों ने आज परफॉर्म किया है और उनके बारे में इतना ही बोलूँगी कि वो हर जगह पे, हर स्टेज पे, हर मंच पे वो हमें वो हासिल हो, हमें वो मिलते रहे और हम इसी तरह से ओतप्रोत होते रहे। श्री सुनील सिन्हा जी ने जो कार्यक्रम आयोजन किया और मुझे मंच संचालन का मौका दिया, ये अपने आप में एक गर्व की बात है। और आज का दिन जो है हमारे लिए इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि हमने देश के 75वें वर्षगांठ को मनाया, आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, सारा देश मना रहा है। और इस तरह की कार्यक्रमों की हमें सख्त ज़रूरत है, और इसलिए ज़रूरत है कि जिस देश में इस तरह का वातावरण हो और लोग अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने संयम को खो दें, और उस देश में देशभक्ति की चीज़ें, देशभक्ति का कार्यक्रम करना अति आवश्यक हो जाता है। इतना शानदार प्रोग्राम अभी हुआ है जिसमें सारे बच्चों को, जो अभी 5 साल 7 साल जिन्होंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, उन लोगों को इतना अच्छा स्टेज मिला है। ये स्टेज मिलना बहुत बड़ा
बहुत बड़े सौभाग्य की बात है उन लोगों के लिए। और ये भी इस अवसर पर जब 75th इंडिपेंडेंस डे चल रहा है, जो अभी जिसको अमृत महोत्सव हम लोग बोल रहे हैं, उस प्रोग्राम के दौरान या इस महोत्सव के दौरान जब इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होता है तो बहुत खुशी मिलती है। और इसमें हम सब लोगों के बच्चों ने इतना शानदार प्रदर्शन किया है जिसे मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। बच्चे सही में बहुत उत्साहित होकर और बहुत अच्छा उन लोगों ने अपना परफॉर्मेंस दिया है, उसके लिए सुनील जी, पायल जी और बाकी बून चैरिटेबल एंड पूरी जो बडिंग एक्टर की जो पूरी टीम है, उन लोगों को बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा उन लोगों ने अच्छा किया है। और एक्चुअली में बहुत अच्छा बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं और यही बच्चे आगे जाकर उनको स्टेज मिल सकता है और वो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ सुनील सिन्हा जी का और बडिंग एक्टर्स जिन्होंने इस तरह का एक प्लेटफॉर्म दिया, खास करके एक शाम वतन के नाम, जिसमें हमारे छोटे छोटे बच्चों जो भी हैं सबको एक बार यहाँ पे एक स्टेज मिला जिसके उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया। बाकी जगहों पे ये बहुत ही मुश्किल है, कलाकार बनने के लिए ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, उनको एक स्टेज मिले, और इस चीज़ के लिए मैं सुनील जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।